37वां अवार्ड कार्यक्रम श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जहां प्लेबैक सिंगर सोनू निगम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर सिंगिंग कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले का भी दर्शकों ने आनंद लिया। एक से एक बढ़कर टैलेंटेड पार्टिसिपेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस दी। मशहूर क्लासिकल डांसर नलिनी कमलनी व इंडियन आइडल फेम मोहित चोपड़ा भी इस मौके पर उपस्थित रहे। हम लोग 88 से संगम से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं। मुझ जैसे कई यंग सिंगर्स को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, कॉन्फिडेंस दिया और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों से हम जुड़े हुए इनके साथ में। संगम कला ग्रुप और स्टीलबर्ड का जो साथ है वो अभी पहली बार ही हुआ है यहाँ पर। पहली बार हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, पर मैंने सूद साहब को बोला है कि अब हम इसको सोलो करेंगे, हम इसको स्टीलबर्ड संगम कला ग्रुप बनाएंगे और इसको बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि मुझे म्यूज़िक का बहुत इंटरेस्ट है, मेरा वो पैशन है। और सूद साहब कई सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अब हम उसको बहुत प्रोफेशनल वे में करेंगे, पैन इंडिया लेके जाएंगे, जगह जगह और चैप्टर्स खोलेंगे, फिर देखते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है इससे, बहुत अच्छा रहा। संगम तो आज से नहीं, लगभग जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 37th आज हमारा सुरतरा चल रहे हैं। और इसमें मैंने क्वार्टर सेमीफाइनल यानी कि पूरे इंडिया के जितने भी हमारे 72 चैप्टर्स थे, सारे बच्चों की जो फाइट हो रही थी, तो मैं क्वार्टर सेमीफाइनल में भी था और सेमीफाइनल में भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए जो आज अंदर सिंगिंग कर रहे हैं। और संगम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, यहाँ से बहुत सारे सोनू निगम जी निकले हैं, श्रेया घोषाल जी निकले हैं, ऐसे अनगिनत नाम है। और बीएस के सूद साहब का थैंक्स करूँगा क्योंकि इतने कलाकारों के लिए मंच देते हैं। Sagar Jai, Mere Sathi Gulon Ka Ujagar Jai, Maan Gyan Gun Sagar Jai, Mere Sathi Gulon Ka Ujagar Jai।